हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखिए, जब हम कोई भी सिग्नल हमारे पास होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है और हमारे जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं वो डिजिटल को प्रोसेस करते हैं या डिजिटल सिस्टम में काम करती हैं या अपने मशीन लैंग्वेज में काम करती हैं, ठीक है। तो हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर को हम डायरेक्ट एनालॉग देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और कुछ प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बाइनरी संख्याओं से ही खेलता है या उसी से काम करता है। तो हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसी के लिए जो डिवाइस प्रयोग करी गई उसी को बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल कन्वर्टर। वह डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका प्रयोग एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है वही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है, और जो प्रोसेस करी जाती है उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास सर्वो विधि। सबसे पहला है हमारे पास सर्वो विधि, ठीक है, सर्वो विधि। दूसरा है हमारे पास डिजिटल रैंप, डिजिटल टू एनालॉग या फिर एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तीसरा है हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर या रजिस्टेंस मेथड, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अगला है हमारे पास सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। और है हमारे पास डुअल स्लोप एडी कन्वर्टर और पैरेलल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 7 प्रकार के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं, जिसमें से हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन
मेथड, सक्सेसिव अप्रॉक्सी मेथड, मेसन मेथड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर होता है, इसमें हमारे पास एक एस ए आर रजिस्टर होता है, ठीक है। इसको इनपुट दिया जाता है एक लॉजिक सर्किट से, एक लॉजिक सर्किट होती है हमारे पास, लॉजिक सर्किट होती है, और इसको क्लॉक पल्सेस दी जाती हैं, इसको क्लॉक पल्सेस दी जाती हैं और यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक इनपुट हमारा यहाँ पे एक कंपैरेटर लगा होता है, कंपैरेटर लगा होता है। इस कंपैरेटर का एक सिग्नल लगा होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चेक के लिए, ठीक है। इसके लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चेक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हम वी इनपुट को लगाते हैं, जिस वोल्टेज को हमें यहाँ पे डिजिटल में कन्वर्ट करना है उसको हम यहाँ पे इनपुट में लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे एस ए आर से उतनी ही आउटपुट लाइंस आएंगी जितने बिट का हमारा आउटपुट होगा, जितने बिट का हमारा आउटपुट होगा उतने बिट की हमारे पास यहाँ पे आउटपुट लाइंस मिलेंगी। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या है, डिजिटल डिजिटल आउटपुट है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डिजिटल आउटपुट हो गया। ये हमारे पास कंपैरेटर है, ये लॉजिक सर्किट है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चेक के लिए लगाया गया है, या फिर इसी को कहेंगे स्टेपसाइजर, इसको बोलेंगे स्टेपसाइजर, ठीक है। मतलब जो स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेगा, स्टेप साइज, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा। तो इस प्रकार ये हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड का फिगर है, जिसमें हम यहाँ से इनपुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डिजिटल वोल्टेज होगा वो कंपैरिजन करेगा, कंपैरेटर सबसे पहले कंपैरिजन करेगा वी इनपुट बड़ा है कि वी टी बड़ा है। जब वी इनपुट बड़ा होता है तो उस इनपुट को भेज देता है आगे एज ए वन करके लॉजिक में भेजता है, जो कि यहाँ पे पल्सेस मिलने के बाद प्रोसेस होता है लॉजिक सर्किट में। उसके बाद जब वो वन है तो उसको एस ए आर को दे देता है, और एस ए आर फिर उसको डिजिटल आउटपुट को दे देता है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से प्रोसेस हो जाती है। अगर हमारे पास उसके आगे वी इनपुट की वैल्यू कम होती है तो, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि हमारे पास कोई वोल्टेज इनपुट है, कोई वोल्टेज है जिसको हम मानते हैं कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है उसका जो डिजिटल फॉर्मेट होगा वो थ्री बिट में होगा, कितने बिट में होगा, थ्री बिट में होगा, ठीक है। हम मान रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है वो थ्री बिट का है, लेकिन कितना है ये नहीं पता है हमको, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल से समझें तो हमारे पास दो कंडीशन बनेंगे, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन बनेंगे वी डी और वी इन को लेके। पहला कंडीशन है कि जब हमारा वी इन ग्रेटर होगा वी डी से, पहला कंडीशन होगा कि जब हमारा वी डी इन ग्रेटर होगा वी इन ग्रेटर होगा वी डी से, तो क्या हो जाएगा, सेट योर नेक्स्ट बिट, मतलब कि हम अपने नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे। दूसरा कंडीशन हमारे पास यदि वी इनपुट लेस वी डी है, वी इनपुट लेस वी डी है, तो हम क्या करेंगे, रीसेट योर इनपुट, यानी कि जो उस समय पे हमारे रीसेट है, गोइंग टू रीसेट बिट एंड सेट
सेट योर नेक्स्ट बिट जो हमारा SAR है, इस SAR में प्रोसेसिंग इसी कंडीशन पे होगी। यहाँ पे जब कंपैरेटर हमारा कंपैरिजन करके देगा कि बी बड़ा है BD से या फिर छोटा है, तो उसके बाद लॉजिक चेक करेगा और उसके बाद SAR में जाके उसका आउटपुट मिलेगा। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई 3-bit का इनपुट है, वन जीरो जीरो लेते हैं, ठीक है, 100 लेते हैं। तो हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये वाला, ये इसको चेक करेगा। अब हमारे पास इसमें दो कंडीशन बनेंगे। पहला V in greater BD और दूसरा V in less BD, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा जब V in हमारा BD से ग्रेटर होगा, तो क्या कह रहा है कि सेट योर नेक्स्ट बिट, यानी कि हमारे पास ये अलग अलग 3 bit हैं, ये और ये और ये, हमारे पास 3 bits हैं, तो कह रहा है कि सेट योर नेक्स्ट बिट, मतलब अगली जो बिट है उसको भी 1 कर दीजिए, सेट कर दीजिए। यहाँ पर सेट का मतलब है 1 और रीसेट का मतलब है 0, ठीक है, सेट का मतलब है 1 और रीसेट का मतलब है 0। तो कह रहा है कि सेट योर नेक्स्ट बिट, यानी कि हम 1 है 1 रहने देंगे, नेक्स्ट बिट जो होगा उसको भी 1 कर देंगे और इसको 0 करेंगे दूसरा कंडीशन है कि यदि वी इन लेस बीडी है, तो हम क्या करेंगे, उसको रीसेट कर देंगे और नेक्स्ट बिट को हम सेट कर देंगे, यानी कि पहले बिट जो है हमारे यहाँ पे हम उसको 0 कर देंगे और जो नेक्स्ट बिट है उसको हम 1 कर देंगे और अगले वाले बिट को वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारे पास फिर से दो कंडीशन बनेंगे। तो एक होगा V in greater BD, दूसरा होगा V in less BD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हमारा V in BD से बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, तो क्या करेगा, सेट योर नेक्स्ट बिट 1, यानी कि सेट करो। तो हम अपने नेक्स्ट बिट को सेट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा V in less BD है, तो हम इसे क्या करेंगे, रीसेट दिस बिट एंड सेट दिस बिट, यानी कि हम पहले बिट को वैसे रहने देंगे, सेकंड बिट को रीसेट करेंगे और नेक्स्ट बिट को सेट कर देंगे उसी प्रकार इसमें दो कंडीशंस है हमारे पास, एक है V in greater BD और दूसरा है V in less BD। सेम कंडीशन वही है फिर से इसमें, कि अगर हमारा V in greater BD है, तो हम कहेंगे सेट योर नेक्स्ट बिट, यानी कि हम तीसरे बिट को सेट करेंगे, तो 0 1 1 हो गया, और V in less BD है, तो हम इस बिट को रीसेट करेंगे और इसको सेट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। अभी हमारे पास फिर से दो कंडीशन बनेंगे। ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कि हमारी सारी बिट्स जो है वो कंपराइज ना हो जाए, जब तक सारी बिट्स का कंपेरिजन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास फिर से दो कंडीशन बनेंगे, एक दो तीन, ठीक है, चार, और इसमें भी हो जाएंगे हमारे पास दो, एक और दो, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेंगे हमारे पास जब हमारा V in greater होगा VD से, तो क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट बिट को वन कर दीजिए, हमारे पास नेक्स्ट बिट नहीं है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन हमारा जब वी इन लेस वीडी होगा तो क्या करेंगे, हम इसको इस बिट को रीसेट करेंगे और नेक्स्ट बिट को वन करेंगे। तो हमारे पास ये बिट तो रीसेट करने के लिए है लेकिन नेक्स्ट बिट हमारे पास सेट करने के लिए नहीं है, तो हम इसको ही रीसेट कर देंगे, बाकी इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन है, वी इन ग्रेटर वी डी और वी इन लेस वी डी। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे, सेट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट बिट नहीं है तो इसको 101 ही रहने देंगे। और इसका जो दूसरा कंडीशन है वी लेस वी डी, इसमें क्या करेंगे, इसको हम रीसेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। इसी तरह से इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, वी इन ग्रेटर वी डी तो क्या हो जाएगा हमारा सेट योर नेक्स्ट बिट, इसमें हमारे पास बिट नहीं है आगे तो हम इसको 011 ही कर देंगे। और दूसरा कंडीशन है वी इन लेस वी डी तो क्या हो जाएगा, हम इस बिट को रीसेट कर देंगे और नेक्स्ट बिट को वन करेंगे, नेक्स्ट बिट हमारे पास नहीं है तो हम इसी को रीसेट कर देंगे बस। ठीक है, इसमें हमारे पास सेम कंडीशन बनेंगे फिर से, वी इन ग्रेटर वी डी और वी इन लेस वी डी। तो हम इसको नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे, नेक्स्ट बिट हमारे पास है नहीं तो ये 001 हो जाएगा। और अगर वी इन लेस वी डी है तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे और नेक्स्ट बिट को वन करेंगे, नेक्स्ट बिट हमारे पास है नहीं तो ये हो जाएगा 000। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें 8 बिट से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस बन सकते थे वो यहाँ पर हैं। 8 बिट से रिलेटेड जितने भी कंडीशन हैं हमारे पास यहाँ पर हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इनपुट था वो 3 बिट का था, इनपुट जो था वो हमारा 3 बिट का था। ठीक है, जब 3 बिट का था तो हमारे पास यहाँ पे 3 साइकिल मिली, 1, 2 और 3। हमको कितना मिला है, हमको मिला है 3 क्लॉक साइकिल। ठीक है, हमको 3 क्लॉक साइकिल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो इस टाइप से कंपराइज करेगा। जो हमारा एस ए आर है ये है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ये जो डिजिट्स को कंटिन्यू प्रोसेस करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, एस ए आर में होगी। हमारा जो आउटपुट आएगा वो जितने बिट का होगा हमारे पास एस ए आर में उतनी आउटपुट लाइंस यहाँ पर आएंगी, हमारे पास उतने आउटपुट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन के लिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे डाउट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और बताएंगे इसको कि कैसे होगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।